राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 2 दिवसीय महिला प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। विद्याधर वैष्णव की रिपोर्ट। आमेट उपखंड पर सेलागुड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत श्रमिकों की कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु 2 दिवसीय महिला प्रशिक्षण का समापन हुआ। इस शिविर में लच्छीराम रेगा सहायक कृषि अधिकारी आमेट, तुलसीराम सहायक कृषि अधिकारी उद्यान, महावीर सिंह राठौड़ कृषि पर्यवेक्षक बीकावास, हेमलता कृषि पर्यवेक्षक सेलागुड़ा आदि के द्वारा ग्राम पंचायत बीकावास सेलागुड़ा खाखरमाला गोवलर से भूमिहीन 30 महिला कृषक को जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट, नादेव कंपोस्ट बनाने की विधियां, पौधा संरक्षण के उपयोग की विधियां, फल व सब्जी प्रशिक्षण, जेम जेली आचार मुरब्बा आदि तैयार करने की विधियां, उन्नत कृषि यंत्रों के प्रयोग की विधियां का प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ शिविर का समापन हुआ। पर्यवेक्षक के नाते आपने इन महिलाओं को क्या सिखाया? ये 2 दिवस का जो प्रशिक्षण हमने राज्य सरकार के आदेश के अनुसार करवाया है, भूमिहीन महिला कृषकों को जो है हमने घरेलू घर के ऊपर जो है अपने आजीविका साधन के लिए वो जेम जेली आचार मुरब्बा बना सकती है, उसके अलावा उनकी भूमिहीन होते हुए भी अपने आय का स्रोत किस तरह से बढ़ा सकती है, वो अपने आय के स्रोत कैसे बेहतर कर सकती है, वो हमने सिखाया है। और इसके अंदर जो कृषि विभाग की जो भी वर्तमान योजना है उनका हमने विस्तार के लिए जो इनको अवगत कराया गया है। इसके अंदर राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। भूमिहीन कृषक जिनका की श्रमिकों का कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण रखा और इसके तहत इनको बागवानी मिशन, जैविक खाद जिसमें सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, नेडब कंपोस्ट और इसकी जानकारी दी गई। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया जिसमें इसलिए जो आपने कार्यक्रम में जो सीखा है इसके लिए आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है समय बोला? ये जो 2 दिवस में हमने सीखा वो अच्छा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे को ऐसा सीखने को मिला है कि हमने छोटी जगह में भी थोड़ी बहुत उत्पादन कर सकते हैं, साग सब्जी से ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। और 2 दिन में हमने ये भी सीखा कि अगर हम कुछ घर बैठ के कुछ नहीं होगा तो कुछ अचार अचार कुछ भी मुरब्बा बना के हम सब कुछ कर सकते हैं।